क्या राजकुमारी जी, आज बहुत चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। ये खुशी नहीं है। क्या है? खुशी तो तुम्हें जब होगी राजकुमारी जी, क्योंकि आज महाराज सिंह की उम्र देख रही है। तुम्हारे पिता महाराज विजय सिंह इस समय 50 वर्ष के हो गए हैं, और ये उम्र में अगर तुम इस सिंहासन पर बैठो तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तो खुशी की बात है, पूरे रियासत की मालकिन मैं बन जाऊंगी। हाँ। यानी कि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहती हो है? जिस तरह महाराज इस विजयनगर की हुकूमत की बात, और इस रियासत की जो चारों तरफ 50-50 कोस दूर की जो भी अवगढ़ जनता है उसके अन्नदाता बने रहते हैं, उसी तरह तुम इस सिंहासन पर बैठकर इस बात दौर को संभालना चाहती हो है? इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। अगर तुमने हमारा कहना मान लिया तो ये आज मंत्री विक्रम सिंह सौगंध दिखाता है, तो एक ना एक दिन तुम्हें इस सिंहासन पर बिठाएगा और विजय नगर की बागडोर तुम्हारे हाथों में थमाएगा। तो जानना चाहती हो तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना होगा? तुम्हें राज्य प्यारा है, तुम्हें ये सिंहासन प्यारा है राजकुमारी चांदनी, और मुझे सेनापत का खानदान प्यारा है। मैं सेनापत जय सिंह के खानदान को निस्तोनाबूत करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सौगंध खाई है कि उसके खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। सेनापत का बेटा अमर और ये मंत्री विक्रम सिंह और इस राज की राजकुमारी चांदनी तीनों मेला देखने जा रहे हैं। तानवीर सम्राट ने हुक्म दिया कि विक्रम सिंह जाओ, इन्हें विजयनगर का मेला घुमा कर लाओ। तुम्हें सिर्फ मेले में एक छोटा सा नाटक करना है। तुम्हें सेनापत जय सिंह के बेटे अमर से झूठे प्यार का नाटक करना है। अच्छा, नहीं, वो तो मेरा भाई है। यानी सेनापत जय सिंह का बेटा तुम्हारा भाई है। हाँ। अगर तुम्हारे कर्मचारी के बेटे को अपना भाई मान लोगी तो राजकुमारी चांदनी तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ पाओगी। अच्छा? इसलिए तुम्हें जब तक इस सिंहासन पर बैठकर बाग डोर संभाल ना लो तब तक मंत्री विक्रम सिंह के इशारे पर तुम्हें चलना होगा। अगर इसमें मंजूरी हो तो मिलाओ हाथ, और आज से विक्रम सिंह कसम खाता है एक ना एक दिन तुम्हें इस सिंहासन पर बिठा दूंगा। इसका मंजूरी है। आओ मेरे साथ आओ, और मेरे की सारी तैयारियां हो चुकी है राजकुमारी जी। अच्छा। हमारा घोड़ा तैयार है और तुम्हारा भी। एक एक घोड़े पर बैठते हैं, कड़ाक से मेले में होकर पूरे मेले का एंजॉय लेते हैं, उसके बाद खेल शुरू। अरे कहे की अरे तेरी बात, अरे बासव
तोरे बहन को काटने। अरे काहे पिया रे तोरी पाती रे बांसवा, काहे पिया रे तोरी पाती रे बांसवा। डुक्की भाई बा, अब दुकान लगावे माँ भाई, हम बढ़िया बढ़िया चीज लाई है, बहुत समय से बेच ली, चला जाए भाई दुकान अपन जगह पहले हम हेल ली। राजकुमारी चांदनी, क्या कहना है? ए बेटा अमर, नहीं चाचा जान, देखो मेला नजदीक आ गया है। हाँ, मेले में सारी दुकानें लगी हैं। हाँ चाचा जान, हमारा हुक्म यह है कि इस मेले में मुझे सारे दुकानदार जानते हैं। तुम लोगों को जो भी जरूरत हो, इच्छा अनुसार सामान जो भी खरीदना हो, खाना हो, पीना हो, सारा कुछ मेले में घूम कर कर सकते हो। ठीक है चाचा जान, ये सब दुकानें लगी हैं, जो भी सामान पसंद हो तुम खरीद सकते हो तुम दोनों। ठीक है चाचा, हम खरीदेंगे, आपके रहते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमारी जी, तुम इसको लेना चाहती हो? हाँ। दुकानदार, इसको पैक कर दे। चाचा, हमें गोदना गोदवाने वाले से सिर्फ अपने ही कलाई पे सिर्फ ओम लिखाना है।
राजा, गुदना तो गुदा लिया मगर कुछ और बाकी है अभी खरीदने के लिए। पूछ लो बहन कितने की चूड़ियां है। ले लो जितने की भी हो उतने के ले लो। 50 रुपया का दिए। 500 बोल रही है। 500? अच्छा नीलम महंगा देता है। 550 बोल रही है। आपको सुनने में फेर है। तुम लोगों ने सारा सामान ले लिया है? अब कोई खरीदारी तो नहीं करनी? नहीं चाचा, अब वो सामने टिकिया बतासा जलेबी कुछ मूंगफली पेठा कुछ खाना हो तो तुम लोग खा सकती हो। इसको तो रोज खाते रहते हैं चाचा, मुझे कोई चीज नहीं करनी। तो हम लोग चले। हाँ चाचा, इजाजत है मेरी तरफ से। आओ मेरे साथ। बढ़ाना नहीं वरना भोज डालूंगा अपने में बंदों से, क्या गंगा सिंह को है तूने ले जाना। छोड़ो नहीं चूक सकता हमारा निशान। नाम गंगा मेरा मैं बताता तुझे, नाम गंगा मेरा। नहीं मालूम मेरा नाम डाकू गंगा सिंह है। तुम्हारा नाम साले चाहे गंगा हो चाहे नंगा हो। अरे हम वो चट्टान है लोक इस विजयनगर में, हमें मंत्री विक्रम सिंह कहते हैं। और विक्रम सिंह से टकराने का मतलब पत्थर पर सर पटकना। जाओ गंगा सिंह जाओ और अपने बिहार की तरफ जाओ। अगर मंत्री विक्रम सिंह के बीच का रोड़ा बनोगे तो सारे बिहार को आग लगा दूंगा। विक्रम सिंह हर शख्स के गोली चलाओ, आशु बहाना क्या जाने, जब सिरे पे गोली थाम लिया कदम हटाना क्या जाने। साला हमरे को कल बता रहा है। आ गंगा सिंह तो जा चलो जा इसी में भलाई तेरी, वरना अंजाम इसका।
से भेजो मुल्के अदम सरलता जमी पर नजर आ। सरदार, अरे ओ सरदार, ये क्या बोल रहे हैं? ये गीदड़ की मौत आती है, गीदड़ गांव की तरफ भागता है। ये चला जा यहां से, अरे नीच तू, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। चला जा, लगी आग दिल में दहक रही है। अरे हम हैं। गंगा सिंह आज तो ही काम सीखा है मौके का। ये विक्रम सिंह दुश्मनों का नाम निशान मिटा दे रहा कसम बाल चोटी की। हम हैं। हम इस तरह के लोगों से फालतू बातें नहीं करते, इसलिए आज ये विक्रम सिंह दोनों बच्चों को लेकर जा रहा है गंगा सिंह। अगर तेरे इस बिहड़ के नौजवानों में अगर ताकत है, अगर तेरा फौलादी सीना विक्रम सिंह की गोली खाने के लिए तैयार है तो हमरा पीछा करना, वरना यहीं से तुम दबा कर बीहड़ की तरफ भाग जाना गंगा सिंह। ऐ अमर राजकुमारी चांदनी, तुम हमारे साथ आओ। आज तो खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मंत्री। क्या सरदार? दोबारा जब मिलोगे ओ सरदार, तो मारे जाओ। ओ सरदार, ऐसा है इसको ससुरा के दौड़ाई के गोली मार दो। अरे क्या बताओ शैले को। सेना, अरे क्या देखा सेनापति, दोबारा जम मिलोगे। कसम पैदा करने वाले की, अगर तुम्हें दौड़ा करना मारा तो डाकू बनने का सौदा। और मेरे शंकर की डमरू, मेरे शंकर की डमरू से दमक दम दम निकलता है, दमक दम दम निकलता है। गंगा सिंह पूरे मेले को तहस नहस कर दिया। तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं, केवल सामान खरीदा है। आओ बस महल अपना इस बियावान जंगल के बाद अपनी सरहद आ जाएगी, उसके बाद अपना महल नजर आएगा। आओ मेरे साथ।
प्यास लगी है मेरी बहन, तो मैं तुझे पानी लाने के लिए मैं तैयार हूं। चाचा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पानी लाने के इजाजत। पानी लाएगा राजकुमारी, तुम्हें जोरों से प्यास लगी है। हाँ। तुम्हारा गला सूख रहा है। तो पानी यहां कहां से लाएगा? कहीं मिलेगा कुआं या समुद्र, वहां से लाऊंगा चाचा। पानी लेने जाएगा, यहां कुछ जानता है कहां मिलेगा पानी? नहीं जानता है तो इसी जगह रोक और अपनी बहन की रक्षा कर। ये मंत्री विक्रम सिंह इस घनघोर जंगल के बारे में और इस विजयनगर से लेकर उस रायगढ़ मणिपुर तक के रियासत के बारे में हमेशा घूमता रहता है, और मैं जाऊंगा फौरन पानी लेकर आऊंगा। ये ले हमारी बंदूक, और अपनी बहन की रक्षा करना जब तक ये विक्रम सिंह ना आ जाए। राजकुमारी चांदनी को कोई खरोच आ गई ना तो मैं तेरी गर्दन को काट दूंगा। मैं चाचा जान अभी पानी लेकर आएंगे। अच्छा, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो मेरी बहन? बोलो, बेखौफ होकर बोलो इस भाई के सामने। आपको जब से देखी हूँ मैं, मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। बिल में कुछ कुछ होता है। ठीक है, बताओ अपने।